आलोक शर्मा जी, नहीं, नहीं, बहुत सारे सवाल हैं पीडीए को लेकर भी। अभी देखिए महाराष्ट्र में हलचल जबरदस्त तेज है। आप लोग आश्वस्त हैं कि सबको एक मुट्ठी में बंद करके, मुट्ठी में बांध कर या हाथ मजबूत करके आप 24 में एक मजबूत मोर्चा पेश कर पाएंगे बीजेपी के सामने? देखिए प्राची जी, अभी भी एक यूपीए वर्सेस एनडीए देखें तो यूपीए बहुत मजबूत है। एनडीए में 48 पार्टियां थी 2014 में, 28 पार्टियां छोड़कर चले गई, छोटे मोटे दल बचे हैं। उसके अलावा तमाम बाकी पार्टियों को ईडी और सीबीआई के दल पर इन्होंने तोड़ा और ईडी सीबीआई स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट्स बनाई। जहां जहां पर देखिए इन लोगों ने जो जो गठबंधन किए वो सब टूटे हैं इनके। आज राकेश सिन्हा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 10 दशकों तक लूटा और ये लूटा वो लूटा। अरे भाई, आप तो लुटेरे सारे शामिल कर लिए जो आपके द्वारा घोषित लुटेरे थे। मेघालय में मोदी साहब और अमित शाह जी कहते थे पूरी सरकार लुटेरी है और फिर 15 दिन बाद उनके साथ सरकार बनाई। पीडीपी के लिए कहते थे 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर लूट लिया, फिर उन्हीं के साथ सरकार बनाई। एनसीपी का 50 साल विरोध किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर, और जब अटल जी पहली बार सरकार में आए तो बाप बेटे दोनों केंद्र में मंत्री थे। राजभर जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग मोदी जी को राष्ट्रीय मिशन की बात कर रहे हैं तो क्या मोदी जी का राष्ट्रीय मिशन तमाम चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग तमाम भ्रष्टाचारियों को जोड़कर पूरा होगा राष्ट्रीय मिशन? ये कह रहे हैं कि साहब हम निर्णायक पोजिशन में हैं वर्ल्ड में डिसीजन लेने की। इस निर्णायक का जो पहिया है एक बार मणिपुर की तरफ भी घुमा देते। देश के इतने कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं आए। विदेश नीति, अर्थनीति, सामाजिक नीति सबका भट्टा बैठा दिया इन्होंने। और चाणक्य साहब अभी राजभर जी कह के गए कि मोदी अमित शाह जी चाणक्य हैं। अरे भाई, चाणक्य कर्नाटक में कहां गए थे? अभी 35 से ज्यादा चुनाव बीजेपी हारी है 2014 के बाद। क्या वो चाणक्य तब काम नहीं कर रहे थे? आपने मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, अरुणाचल हो, तमाम तो सरकारें, मध्य प्रदेश हो, चोरी की सरकारें बनाई। ये चाणक्य नीति नहीं है, ये ईडीआई स्पॉन्सर्ड, सीबीआई स्पॉन्सर्ड और नोटबंदी से 50-50 खोखे वाली बात तो सब पूरा देश जानता ही। अब वर्तमान की बात करते हैं प्राची जी। वर्तमान में सभी दल साथ मिलकर आ रहे हैं और इस बार जो चुनाव होगा वो चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी होगा। बीजेपी बताएगी कि 10 साल हो गए चाइना क्यों हमारी भूमि पर घुसा बैठा है। बीजेपी बताएगी कि 1150 का सिलेंडर क्यों नहीं है। ठीक है सर, ये मुद्दे बीजेपी तमाम बताएगी कि महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है। लेकिन पता है बीजेपी बताएगी बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि अलग अलग स्टेट में विपक्ष के अलग अलग स्टैंड होते हैं। बंगाल चले जाइए तो आप टीएमसी को लेकर कुछ और कहते हैं। अभी आपने शुरुआत में कहा कि कई मुद्दे हैं जिस पर हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, तो इस तरीके की सियासत पर सवाल खड़े हो जाते हैं आलोक जी। देखिए बिल्कुल, अगर कोएलिशन होगा, एक मिनट, कोएलिशन अगर होगा तो मतभेद भी होंगे। अब हमारे पास ईडी सीबीआई तो है नहीं मोदी जी की तरह के सबको डरा के बैठा दे कोने में। मुझे बताइए एनडीए की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? पूरा पैनल बैठा हुआ है, मुझे बताइए लास्ट मीटिंग कब हुई? ठीक है राकेश सिन्हा जी बता दीजिए। कोई नहीं बता पाएगा प्राची जी, आप भी नहीं बता पाएंगे, आपके प्रोड्यूसर भी नहीं बता पाएंगे। सर मैं पूछ लेती हूँ ना, मैं नहीं बता पाऊंगी तो राकेश सिन्हा जी तो बता पाएंगे ना। मैं पूछ लेती हूँ, रुक जाइए राकेश सिन्हा जी बता दीजिए उनका एक सवाल। पूछिए इनसे लास्ट मीटिंग एनडीए की कब हुई। वो अभी अमेरिका ले जाएंगे आपको। आप रुक जाइए प्लीज भदौरिया जी, प्लीज रुक जाइए। वो इंडिया की बात ही नहीं करेंगे, वो ना मणिपुर ले जाएंगे आपको, यहीं घुमाएंगे अभी आपको। अरे कांग्रेस ने एक सवाल पूछा है अनुराग भदौरिया जी, जिनके रंग में आप रंगना चाहते हैं उनका सवाल का जवाब आ जाए। रुक जाइए थोड़ा, दे दीजिए राकेश। मैं पूछ रहा हूँ राकेश जवाब देंगे क्या? दोनों एक साथ तो नहीं पूछेंगे ना, पहले एक सवाल का जवाब आ जाए। चर्चा को डिरेल करना है तो कर दीजिए राकेश जी। एक का क्या, आधे का भी जवाब नहीं आएगा आपको? तो सर आप थोड़ी ना तय कर लेंगे, बोलने तो दीजिए पहले। बोलिए राकेश। मैं तीन बातें रखा। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी, तीन बातों पर चले गए। अरे हम एक डेट पूछ रहे हैं भाई राकेश जी। और नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेघालय के गांव में कौंगठोंग में मुझे वहां के लोगों से पूछा कि आपकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा खाओ मोदी। खाओ एक खासी भाषा का शब्द, यानी चावल होता है, मोदी का चावल मिल रहा है। अभी मैं बिहार के एक रिमोट गांव में, बछवाड़ा प्रखंड में बेगूसराय के एक रिमोट गांव में हूँ, एक दलित परिवार से मिला। जनता का अपमान है, किसानों का अपमान है, तो मोदी जी से आशा हो गया। मोदी जी का चावल है, बताइए किसान, किसानों का चावल नहीं है ये देश का चावल नहीं है, मोदी का चावल है। मोदी मामा जी के यहाँ से लाए थे। और एक सामान्य कार्यकर्ता,
मोदी जी कहते हैं नमक मेरा खाते हैं बुजुर्ग। आप लोगों ने कितने काम किए कितने नहीं, ये सर आप लोग गिनाते हैं। एनडीए कितना मजबूत हुआ ये बैठक के बारे में भी पूछ रहे थे आलोक शर्मा जी। मैं आ रही हूँ, मैं रेखांकित कर रहा हूँ तीन बातें, पहले उसके बाद आता हूँ। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को चिन्हित किया है, जिस मुद्दे में 370 हमने हटाया। बताइए, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मिशन 370 नहीं है तो समाजवादी पार्टी का रोटी चोरी करना, राहुल गांधी का बैंकों की यात्रा राष्ट्रीय मिशन, जिस प्रधानमंत्री ने 365 दिन में और दिए की मीटिंग पूछी थी, मणिपुर पूछा था, बैंकों कहाँ चले गए? अरे आपसे पूछा जा रहा है एनडीए की मीटिंग लास्ट कब हुई थी प्रभु? अच्छा छोड़िए वो सब छोड़िए प्रभु, प्रभु टमाटर क्या भाव बिक रहा है? प्रभु छोड़िए टमाटर क्या भाव बिक रहा है, छोड़िए आपको कुछ नहीं बता पाएंगे, टमाटर तो बता दीजिए क्या भाव है प्रभु, प्रभु टमाटर क्या भाव है, छोड़िए वो सब कहानी, आप कुछ नहीं, आप टमाटर का भाव ही बता दीजिए प्रभु, आप नरेंद्र मोदी टमाटर का भाव ही बता दीजिए, एनडीए की मीटिंग नहीं बता पाएंगे, मणिपुर में नहीं जाएंगे तो एनडीए, आप टमाटर का ही भाव बता दीजिए, पूरे देश में नेचुरल क्लेमिटी है, पूरे देश में का रेट बता दो, अगर विजिबल कहीं पे महंगा हो रहा है रेट बता दो। चलिए ठीक है, अनुराग जी, राकेश सिन्हा जी और संजय जी, आलोक शर्मा जी, महेश जी, मेरे पास समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।